हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई और वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सभी 10 सीटें हासिल कर ली और अपने खाते में एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत हासिल कर लिया। आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत की उम्मीदें बीजेपी इस वक्त खड़ी कर रही है। वहीं दूसरी ओर अधूरी तैयारियों के साथ विपक्ष के दावे हैरान करने वाले नजर आते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार आपसी खींचतान, पारिवारिक कलह या फिर फूट और दूसरी चीजों को दरकिनार करने की बजाय अपने ही भीतर की जो सियासत है या अपने भीतर की जो फूट है उसी का शिकार हो रही है। आखिर इससे क्या नजर आ रहा है? क्या विपक्षी पार्टियां अपनी जमीन खो रही हैं? जरा रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में होगा दंगल दमदार, अब की बार होगा महामुकाबला। सियासी रण में उतरे योद्धा, एक तरफ आशीर्वाद यात्रा, दूसरी तरफ समर्थन अपार। हरियाणा में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को रफ्तार दे चुके हैं। कोई धीमी रफ्तार से चल रहा है तो कोई तेज, लेकिन इसका असर उनकी चुनावी तैयारी पर नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश के हलकों में चल रही है, वहीं हरियाणा में सिरसा के लोकप्रिय नेता गोपाल कांडा ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया। लोगों का अपार समर्थन अपने नेता को मिला तो जनता की उपस्थिति ये दिखाती है कि ये चुनाव किसी भी दल के लिए आसान तो नहीं है। बेशक बीजेपी 75 पार का नारा दे रही हो, लेकिन बीजेपी की जमीन कितनी मजबूत है ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि कांग्रेस के भीतर की टूट को दूर करने में क्या देर नहीं हो गई है, और नहीं तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि किसी समय मुख्य विपक्षी का तमगा जिस पार्टी के पास था वो आज नेताओं की कमी से जूझ रहा है। विधानसभा चुनाव आई गए हैं, हमने तो विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है, रणवेदी बज गई, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। और जब से मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली है उसका जो अभूतपूर्व रिस्पांस है, हम जितने कल्पना कर रहे थे उससे कई गुना अच्छा रिस्पांस इस जन आशीर्वाद यात्रा का है। तो एक तरफ यात्रा चल रही है, यात्रा का समापन पर देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो कोई क्या तैयारी कर रहा है इसकी जानकारी जरूर हम रखेंगे, लेकिन हम अपनी तैयारियों के, अपने संगठन की शक्ति, अपने सरकारों के कार्यकलाप, इनकी उपलब्धियां, इनके बल पर जीत हासिल करने वाले हैं, इसलिए हमें बहुत अंतर नहीं पड़ता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। किसी की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं कि अपने को जीत है अपने शहर के विकास की, अपने काम की, जो कि इन्होंने, हमने पिछली बार भी बनाया एमएलए, आपके सामने क्या हुआ? तो इसीलिए लोगों ने मन बनाया हुआ है कि जिनकी सोच, क्योंकि मैं कोई वादा नहीं करता, मैं नेक नियत के साथ और बुलंद इरादों के साथ आपके बीच के अंदर और आप सबकी सपोर्ट करने के लिए और शहर की आवाज को बुलंद करने के लिए विधानसभा में, चुनौती मैं किसी से नहीं मानता, चुनौती मैंने ना कभी किसी से मानी, क्योंकि देखो जी अब ये जो मैं देख रहा हूँ आज, तो मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि जीत कितनी भी बड़ी जीत हो सकती है। तो जो परियोजनाएं पेंडिंग है उन्हीं को पूरा करना है और पूरा शहर बड़ा बेताब है कि वो परियोजनाएं पूरी हों एक अच्छी सोच के साथ, और बहुत ही सिरसा के लिए जो तन मन धन से सेवा करनी है उसके लिए हम तैयार हैं। देखो भाई, राजनीति में तो मैंने कहा ना कुछ भी संभव है, पर मेरा जनता के साथ, मैंने आप सब भाइयों को बोला हुआ है कि ऐसा प्यारा गठबंधन है। अभी कुछ दिन पहले मुझे गोविंद ने फोन किया कि 2 महीने से पूरे शहर में बोर्ड लगे हुए थे और जैसे ही हमने अपने चुनाव के बोर्ड लगाए लोगों ने बोर्ड उतारने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि लोगों, बोर्ड उतार सकता है प्रशासन, सरकार बोर्ड उतार सकती है, पर लोगों के दिलों में,
जो गोपाल है और सरसावासी जो मेरे दिल में है उनको कोई नहीं निकाल सकता, उनको कोई नहीं निकाल सकता। चुनावों की आहट ने पार्टी के बड़े नेताओं का ध्यान हरियाणा की तरफ खींच लिया है, इसीलिए प्रदेश बीजेपी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को बेहद खास बनाना चाहती है। इसके लिए पार्टी के नेता जी जान से जुटे हुए हैं। रैली में पन्ना प्रमुख अपने मतदाताओं की सूची वाले कागज को लहराएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद रथ यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी रोहतक की धरा से चुनावी संदेश देंगे। पीएम मोदी 8 सितंबर को रैली को संबोधित करेंगे। तो इस सब को महज चुनावों की दस्तक माने या फिर नेता का जनता से लगाव, खैर सभी दलों की कोशिश तो यही है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन ये जनता को तय करना है कि किसकी बात पर कितना विश्वास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसलिए कह रहे हैं कि अब की बार दंगल दमदार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा दे रही है, वहीं विपक्ष अपनी ताकत के साथ सामने खड़ा हुआ है। तो कौन कितना आगे निकलता है और किसमें कितना दम है, इन्हीं सवालों के साथ जरा इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको खास मेहमानों से मिलवा देते हैं। आज हम दरअसल इस पूरे कार्यक्रम को जरा सियासी रंग को हम जरा दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जरा राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, जरा हम उस पहलू से समझेंगे, क्योंकि नेता तो चाहे कोई भी हो, हर कोई नेता अपनी पार्टी का गुणगान करता है, लेकिन आज जरा दूसरे पहलू से समझते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से मैं रिएक्शन लेता हूं अमित जी, ये जिस तरीके से राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, विधानसभा चुनाव की आहट से पहले जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो जमीन पर आ चुके हैं, जमीन पर आकर अपनी ताकत देखी भी जा रही है, दिखाई भी जा रही है, लेकिन किसमें कितना दम नजर आ रहा है? बीजेपी 75 पार का नारा लगा रही है, विपक्षी दल अब लगातार अपनी जो एकजुटता है या फिर कह लीजिए कि अपने भीतर की जो शक्तियां हैं वो दिखाने के लिए कोशिश कर रही है, हालांकि कांग्रेस और INLD की जो स्थिति है या जजपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ, कितना वो ताकत दिखा पाएगा, क्या वो दम है उसमें, और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता कितनी उसमें ताकत दिखा पाएंगे? देखिए सुमेंदु, अभी अभी लोकसभा चुनाव और हुए हैं और 10 में से 10 सीटें जीत के बीजेपी बम बम है और लगता यह है कि विपक्ष का सफाया हो गया हरियाणा में। लेकिन विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, कैंडिडेट अलग होते हैं और जो एक वातावरण होता है, राजनीतिक वातावरण, वो भी अलग होता है। तो हमें यह तो नहीं कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट मेजोरिटी में पार्टी आएगी, अगर 90 की 90 सीटें, 10 की 10 सीटें जीती है तो 90 की 90 सीटें जीत लेगी। हाँ, लेकिन यह है कि अपर एज बीजेपी को है आज के दिन, क्योंकि विपक्ष अपनी गलतियों से पीछे है, बैकफुट पे है। लेकिन जो प्रदेश में अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग किसी भी विभाग से आप देख लीजिए सड़कों पर उतर रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट जरूर दे दिया गया कि चुनाव से पहले का यह माहौल होता है, लेकिन हम बात सुनेंगे और सुन भी रहे हैं, लेकिन ये माहौल क्या दिखा रहा है? ये तो विरोध का स्वरूप है। देखिए, कोई कारगर विरोध नहीं है सुबेंदु, टुकड़ों में विरोध है। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में तो कई सांसद, जो मौजूदा सांसद जो अब दोबारा बने हैं, उनको भी कई गांवों में घुसने नहीं दिया गया था और काले झंडे दिखाए गए थे, उनके विरोध में नारे लगाए गए थे। देखिए, उसमें एक कर्मचारी संगठन है, उसका विरोध प्रदर्शन करना अलग है, एक बड़ा राजनीतिक दल है, उसका विरोध प्रदर्शन करना अलग है। अब देखिए, आज के दिन सबसे बड़ी जो अगर देखें पार्टी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस है हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस सड़कों पे है कहां? वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में है। देखिए, दो गुट बने हुए हैं सीधा सीधा, हुड्डा गुट और तंवर गुट। अब लोगों को यह नहीं पता कि हुड्डा गुट जाएगा कहां, क्योंकि पीछे जो रैली की थी उसमें मामला ऐसा गड़बड़ हुआ, उन्होंने ना तो ये कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं। एक चीज और है, जब आप गुट का जिक्र कर रहे हैं तो बार बार जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या किसी नेता से पूछ लीजिए तो वो यही कहते हैं कि साहब गुटबाजी तो नहीं है, भीतर भीतर हाँ ये रास्ते जरूर हैं अलग, लेकिन मंजिल हमारी एक है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्यों ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और क्या यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति में है वो यही है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए कि अपनी जो कमजोरी है उस पर यदि हम ध्यान दें और उस पर यदि काम करें तो शायद उसको हम दूर कर सकेंगे? देखिए सुमेंदु, अगर आला कमान कमजोर है या ताकतवर है तो उसका असर नीचे देखने को मिलता है।
अब देखिए, अगर ऊपर डंडा मजबूत है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की रैली कर ले और इस तरह चैलेंज कर दे आलाकमान को, सीधे सीधे कमेटी बना दे 36 सदस्यीय कमेटी और ये कहे कि हम देखें निर्णय करेंगे, कमेटी निर्णय करेगी। उसमें ये है कि आलाकमान अगर मजबूत हो तो सभी एक राह में चलते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। अब देखिए, ये तो पॉलिटिकल स्टंटबाजी होती है ये कहना कि नहीं हमारे कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी नहीं है तो अशोक तंवर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे क्यों नहीं इतनी बड़ी रैली में? लगभग 1 लाख से ऊपर आदमी थे वहां पे, और जब अशोक तंवर कोई यात्रा करते हैं, साइकिल यात्रा करते हैं, तो हुड्डा साहब वहां पहुंचते हैं क्या? ठीक है, देखिए मुंह से अलग बात हो रही है, मनसा वाचा कर्मणा तीन चीजें होती हैं, वो अलग अलग हैं तीनों। शुभेंदु, ठीक है। सोमवीर जी, मैं जरा एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो बार बार 75 पार कह रही है, विपक्ष कमजोर है इसलिए कह रही है, या उनकी वाकई में जमीन पर इतनी ज्यादा ताकत है, इतना ज्यादा ग्राउंड रूट उनका इतना ज्यादा मजबूत है कि वो 75 पार का नारा दे रहे हैं? देखिए सुमेंद्र जी, आपकी दोनों बातें ठीक है। जो आपने बोला कि वो मजबूत हैं और विपक्ष बिखरा हुआ है, दोनों चीजें उनको प्लस पॉइंट दे रही है। और 75 तो खैर छोड़िए आप, 75 तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जैसे अमित जी ने बताया काफी अच्छी मेजोरिटी से आएंगे। उसकी दो वजह है। एक वजह सबसे पहले बीजेपी का जो कैडर है, जो एक संगठित अनुशासनात्मक एक नेता है कि खट्टर साहब के नेतृत्व में लक्ष्य लड़ना है, वो सीएम के कैंडिडेट हैं। दूसरा अगर दूसरी तरफ देखें तो जैसे नेहरा साहब ने बताया कि वो दो गुटों में, नेहरा साहब तो दो गुटों में बता रहे हैं, मैं ये 5-6 गुट हैं, इनके अपनी एक अलग अलग सूबेदार है। भिवानी में किरण चौधरी मैडम जी CLP हैं, वो अपना प्रभुत्व है। चौधरी बंसीलाल की जितनी भी है वो 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी। इधर से साउथ में कैप्टन अजय साहब हैं, उधर तंवर साहब। हमने देखा कि ये अभी हाल फिलहाल में अगर छोड़ दिया जाए तो इससे पहले ये सभी गुट मुखर थे, लेकिन अभी फिलहाल दो गुट चल रहे हैं, इसलिए बार बार जिक्र इसलिए हो जाता है कि अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सीधे सीधे आमने सामने हैं। इससे पहले तक ये सभी जो गुट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सभी मुखर थे, लेकिन अब धीरे धीरे आकर जब ये स्टैंड लेने का वक्त आ गया है कि आखिर में अध्यक्ष कौन होगा या कमान किसको सौंप दी जाए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अंदर, तो बाकी सब गुट तो शांत हो गए हैं, लेकिन दो गुट आमने सामने आ चुके हैं अब सीधे सीधे। ये मान लिया जाए तकरार इन दोनों के बीच में ही है। देखिए ऐसा है कि पहले भी हम कहते आए हैं कि जो तंवर साहब है ये मास लीडर नहीं है। ये ठीक है, पढ़े लिखे हैं, सिविलाइज्ड हैं, बड़े मर्दूवासी हैं, अच्छा सब कुछ ठीक है, बट ये मास लीडर नहीं। मास लीडर सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। हुड्डा साहब ने रैली की, रैली बहुत अच्छी हुई। अब मैं ये भी नहीं कह सकते कि हुड्डा तंवर साहब कुछ नहीं है, जीरो है, और हुड्डा साहब बहुत कुछ है। हुड्डा साहब ने ये जो रैली की है इससे तो एक बाइफर्केशन और होगा, और इनको मौका मिला दूसरी पार्टी को, गए तो बिल्कुल बिखर चुके। तो इन्होंने जो हुड्डा साहब ने जब भी जो रैली की उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है कांग्रेस को। अगर वो हुड्डा साहब को दिए, कांग्रेस में रहते हैं तो उनको जो जो जितना वेट है, जितने मास लीडर है, जितना उनको होना चाहिए वो मिल नहीं रहा उनके हिसाब से। अगर वो छोड़ते हैं तो इतना अभी माहौल इतना है, बीजेपी पीक पे है, दूसरी पार्टियां हैं वो डाउन है, तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए नई पार्टी बनाने का रिस्क हुड्डा साहब ले नहीं सकते इस वक्त। तो हुड्डा साहब ने जो अभी 35-36 आदमी की लिस्ट बनाई, अब और देख लीजिए आप, हुड्डा साहब शायद ये सोचते हो, और एक आम पब्लिक में है जैसे नेहरा साहब ने बताया कि विधानसभा के कुछ अलग से मुद्दे होते हैं, बट इसके बावजूद भी अगर आप हुड्डा साहब की स्थिति देखो, हुड्डा साहब सबसे बड़े गुट है, सबसे बड़े लीडर है हरियाणा में, आप कोई माने ना माने सबसे बड़े लीडर है। तो उन्होंने भी अपनी ये जो रैली की थी, तो जो भी आदमी रैली में गए थे उस दिन, वहां पे जो रैली अटेंड करने गए थे 1.25 लाख रुपए लोग थे, वो ये सोच के गए थे कि 90 सीट अलग पार्टी बनेगी, 90 MLA गएंगे, 90 लोग MLA की टिकट के दावेदार या उससे कहीं ज्यादा जाते अलग गए थे। मतलब ये कि उस दिन भूपेंद्र सिंह, लेकिन वहां उनको निराशा हाथ लगी, तो हुड्डा साहब ने ये रैली करके उसको कांग्रेस को और अपने आप को नुकसान पहुंचाया। और इधर से आप जैसे कह, बीजेपी देखिए संगठित पार्टी है, फिर कुछ नेशनल मुद्दे होते हैं, हर देश में होता, पहले भी होता है, जैसे 1971 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को अलग किया, उस वक्त कांग्रेस थंपिंग में स्टेट्स में भी आ गई थी। तो यहाँ पे नेशनल मुद्दे में 370 का मुद्दा है, दूसरा ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है, मोदी जी का जो दूसरे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो रही तो वो भी इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ले दे के कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है, विपक्ष बिखरा हुआ, आपकी बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही चीजें काउंट करती हैं हरियाणा की अगले चुनाव। ठीक है, ठीक है। जरा अशोक जी, मैं हम तो जरा अलग ही चश्मे से भी देखते हैं, तो इस बात को हम कैसे समझे कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त कांग्रेस में है और जो 18 तारीख की रैली
जो हुई है जिसमें कहा जा रहा था कि अलग से दल बनेगा, अलग से पार्टी वो सामने लेकर आएंगे और 36 सदस्यीय कमेटी जो उनकी तरफ से तैयार की गई, हालांकि उस पर अशोक तंवर की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए कि ये तो गलत है, ये तो सीधे तौर पर ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया था। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि कांग्रेस में है तो कांग्रेस को फायदा या नुकसान, या फिर अलग रास्ते पर जाते हैं तो उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फायदा या नुकसान? देखिए, घर के जो कलह है ना, ये परेशानी का सबब बनती जा रही है और बनी है। वो चाहे कलह जो है कांग्रेस के अंदर ले लो या इनेलो के अंदर ले लो, या अदर्स कोई पार्टी ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि जो कलह से वंचित हो, जो कलह के शिकार नहीं बन पाई है। कांग्रेस हमेशा से शिकार बनती रही है, दो दो ग्रुप रहे, अभी भी हैं, और चलते अपना हुड्डा जी ने कोशिश करी कि भाई वो नया अपनी पार्टी बनाने का कुछ करें, पर वो हिम्मत नहीं दिखा सके कि वो कांग्रेस हाईकमान जो है उससे टक्कर नहीं ले सके। टक्कर ही कहा जाएगा कि जो अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दें, जब उनको मालूम है वो चाहते हैं यार कि भाई हुड्डा ही क्या नाम एक माननीय कांग्रेस के जो है माननीय नेता हैं और वो ये अपना जो नैया पार कर सकते हैं इस तरह का जो को है। पर ये जो टक्कर लेने वाली बात है, जो हाईकमान को जो समझाने वाली है समझने वाली वो है, अब कहे के तो गए थे कि भाई नई पार्टी का गठन होगा, नई पार्टी के गठन के सुनने के लिए लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंचे भी, पर उसका फायदा ही क्या हुआ? वो दरअसल जो है कांग्रेस से अपना जो हाईकमान है, हाईकमान से एक तरह का मैं तो ये कहूंगा घबराए हुए हैं या डरे हुए हैं कि जो वे अपना कोई डिसीजन इस तरह का नहीं ले पा रहे हैं। लोकसभा के इतने प्रचंड बहुमत मिलने के बाद में हरियाणा में तो ऑटोमेटिक है भाजपा के अपना जो मनोबल और भाजपा की आकांक्षाएं वो सब बढ़ गई हैं और बढ़नी भी चाहिए। लेकिन ये अशोक जी, ये हुआ कैसे? हम जरा उस बात को भी समझ रहे हैं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता है। अभी तक मुख्य विपक्षी दल INLD हुआ करता था, कांग्रेस अपनी एक अलग भूमिका में था, भारतीय जनता पार्टी जिसके ज्यादा स्थिति मजबूत नहीं थी 2014 से पहले, देख लीजिए कितने विधायक हुआ करते थे और कितने नेता हुआ करते थे, ढूंढे से ढूंढ मिलते नहीं थे। और अब 2014 के बाद स्थिति ऐसी पलटी है कि आप 75 पार का नारा दे रहे हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। विपक्ष धीरे धीरे कमजोर ही होता चला गया, बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूत होती चली गई, और दूसरी तरफ यहां पर बात इस बात को लेकर भी है कि INLD से जो नेता टूट करा रहे हैं, कांग्रेस से जो नेता टूट करा रहे हैं, वो बीजेपी में स्वागत योग्य है, बार बार उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये सभी रास्ते खुले हैं, विकल्प के तौर पर बीजेपी एक सामने है, एक बड़ी पार्टी। देखिएगा, आपका कहना सही है, 2014 से पहले क्या पोजीशन थी सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। जो 2014 के बाद का जो 2019 का जो इलेक्शन जो लड़ाया गया, ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ाया गया, यानी जो मार्मिक मुद्दा जिसको बोलते हैं, जिसको जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, पब्लिक जो राष्ट्रवाद के नाम पे अपना जो है इकट्ठी हुई है, इकट्ठी होकर इसके बाद में इनको जो है अपना बहुमत मिला है, बहुमत के साथ में। अब जब ये बहुमत मिल गया उसके बाद में राष्ट्रवाद का मुद्दा इनको बहुत भाया, और इसके बाद में 370 जो वहां से हटाई गई है अपना जम्मू कश्मीर से, तो वो भी एक कारण बनता जा रहा है कि पब्लिक का रुझान दिन पे दिन बढ़ा और उसका रुझान का ही फायदा उठाने के लिए 75 पार का नारा दे दिया गया। नस पकड़ ली है बीजेपी, नस है बीजेपी, नस पकड़ना जानती है और बीजेपी ने नस पकड़ी है। खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब जब 2014 में आए थे, 2014 में इतने परिपक्व नेता नहीं थे, इतने परिपक्व CM नहीं थे कि जो कि अपना सब संभाल सकते, पर अब वो 100% उनकी भाषा में RSS के RSS के कार्यकर्ता हैं, कहना चाहिए समर्पित और हर तरह से। अब वो पूरे रहा घाट राज घाट सब के अपना जो सब जान चुके हैं, इसीलिए जो है भाजपा ने अपना कैंडिडेट CM का अपना पहले ही डिक्लेयर किया, इसका डिक्लेरेशन का डिक्लेयर जो कैंडिडेट किया कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अपना जो है विधानसभा का, तो इसका भी बेनिफिट जो उनको मिल रहा है अपना जो भाजपा के जो है अपना इसको मिलने जा रहा है और मिलेगा। ठीक है अमित जी, जरा एक और भी चीज है क्योंकि इसी सवाल को जरा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और भी जोड़ते थे कि CM भी अभी खुद कह रहे हैं और शुरुआत में भी उन्होंने कहा कि हमें तो अभी समझना ही यहां पर पड़ रहा है और हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाल फिलहाल में जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनकी जब बातें उनके और जो बयान थे उसमें उन्होंने कहा कि आप पहले हमें अनाड़ी कहा करते थे लेकिन अब पता चलेगा और चल गया आपको कि खिलाड़ी कौन है।
तो इसका मतलब क्या है कि 5 साल में ऐसी शिक्षा उन्होंने ले ली या फिर उन्होंने सब कुछ भांप लिया 5 साल के अंदर कि कौन कहां पर है, कैसे हो रहा है, वो सभी चीजें भांप ली हैं। देखिए सुपेंदु, अभी सोमवीर जी ने कहा कि मास लीडर हैं मिस्टर हुड्डा। हुड्डा, ठीक है ना, और एक मास लीडर हो गए मनोहर लाल जी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि 2005, फरवरी 2005 से क्या हुड्डा मास लीडर थे हकीकत में? क्या अक्टूबर 2014 से पहले मनोहर लाल जी मास लीडर थे? देखिए एक कहावत है ना, जब खुदा हुस्न हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, नजर वही बात है। देखिए मुख्यमंत्री की जो सीट होती है वो बड़ी ताकतवर सीट होती है, तो एक सिस्टम बन जाता है, मास लीडर अपने आप बन जाता है। आप बिठाइए किसी को भी अननोन को। अब देखिए 2014 की बात बताता हूं, अक्टूबर में तो सबसे बड़े दावेदार कौन थे बीजेपी में? रामविलास शर्मा, रामविलास बिल्कुल, शर्मा अनिल विज, जो कई बार दोनों विधानसभा में चुनकर भी विधानसभा आए। पहुंच चुके थे, और साथ में कैप्टन अभिमन्यु भी, जो अभी तक जिन्होंने विधानसभा का मुंह नहीं देखा था वो भी झंडा उठाए हुए थे, ठीक है ना। ओम प्रकाश धनखड़ जो पहली बार बने थे वो भी झंडा उठा रहे थे मैं बनूंगा, लेकिन बने कौन? मनोहर लाल जो पहली बार बने थे, लेकिन बनने के बाद उन्होंने जो चलाया, जो सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया। तो देखिए जो भी मुख्यमंत्री बनता है तो उसका एक बहुत बड़ा दायरा हो जाता है, वो मास लीडर अपने आप बन जाता है, क्योंकि पूरे सूबे में पकड़ है। हरियाणा है कितना सा? 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं, छोटा सा दायरा है, लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। तो यहाँ पे मास लीडर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चंद दिनों में बना जाता है यहाँ यहाँ पे। यहाँ एक और भी चीज है कि हम जी विपक्ष की जब बात कर रहे हैं, INLD हो चाहे जजपा बसपा का गठबंधन हो, और यहाँ पर HLP जिस तरीके से आज शंखनाद किया अमित जी, उसमें नजर आ रहा है कि अब यहाँ, क्योंकि सिरसा का खास करके हम बात करें, सिरसा के अंदर मैं उसी एक पे आ रहा था सुपेंद्र। देखिए बात ये है, हरियाणा का राजनीतिक इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे 1966 से लेके और आज तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं सिर्फ 2 बार निर्दलीय सांसद बने यहां पे, लेकिन विधानसभा का इतिहास उठा के देखेंगे तो लगभग 10 के आसपास निर्दलीय विधायक बनते हैं, और जो छोटे दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं उनके भी चुन के आते रहते हैं। तो इस बात से ये तस्दीक होती है कि यहाँ की जनता लोकसभा में अलग मानस रखती है और विधानसभा में उसका रुख अलग होता है। विधानसभा में जम के वो निर्दलीय विधायकों को अपलिफ्ट करती है या छोटी पार्टियों को। अभी जो बात हुई है, गोपाल कांडा एक बार पहले बन चुके हैं निर्दलीय विधायक, आज जो जिस तरह की भीड़ उमड़ी है तो उससे लगता है कि इनका जनाधार कमजोर नहीं है सिरसा में। पिछले जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी दोनों भाई छोटे छोटे मार्जिन से तो हारे थे, और हारने का कारण क्या था? हारने के 2 कारण थे वहां पे सिरसा में। एक तो जो डेरा का समर्थन था बीजेपी को, और दूसरा जो बंपर वोटिंग हुई थी INLD के पक्ष में। INLD ने ये देखा कि अगर डेरे ने समर्थन कर दिया है तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि जो भी नैलो का वर्कर है, वोटर है, वो अपनी जो वोट है वो भुगता है 5 बजे तक। उसका असर ये रहा कि पूरे सिरसा जिले में जितनी भी विधानसभाएं थी 80% से ऊपर वहां पे वोटिंग हुई, कई कई जगह तो 86% हुई है, 88% तक हुई है कई विधानसभा क्षेत्रों में। तो देखिए बात वही है, अगर बीजेपी का सामना करना है विपक्ष को, जिसमें HLP आ गई, तो उसमें दूसरे दलों से समर्थन लेने की देने की उनसे परहेज नहीं करना चाहिए। देखिए वहां पे इनेलो का मजबूत गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले महीने मैंने जो देखा जाके वहां पे, तो सिरसा जिले में काफी गांवों का दौरा किया, वहां पे ना तो मुझे JJP के झंडे दिखाई दिए ना INLD के झंडे दिखाई दिए। वजह ये थी कि वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते, ना अजय गुट को ना अभय गुट को, लेकिन वो कहीं ना कहीं वोट तो डालेंगे, बिल्कुल। तो उस चीज को भुनाने की आवश्यकता है। उसमें हलोपा कितनी सफल रहेगी ये इनके कौशल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सोमवीर जी, एक वापस जरा उस चर्चा पर आते हैं, क्योंकि ये बात भी बार बार उठ रही है कि मौजूदा वक्त में क्या सरकार के पास कोई मुद्दा है, क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? यहां हम ये भी कह रहे हैं
कि मुद्दों की राजनीति होती है और जब चुनाव सिर पर होते हैं तो मुद्दों के आधार पर ही चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो वो जनता के बीच में जाता है। देखिए शुभेंद्र, 2014 में राज में थोड़ा सा फर्क देखते हैं। 2014 में लोगों ने पहले चौटाला साहब की सरकार के खिलाफ, उसके बाद कांग्रेस के 10 साल उसके खिलाफ बीजेपी को एक अल्टरनेट समझ के वोट दिए थे और 47 सीटें आ गई और दूसरा मोदी जी की लहर थी। इस वजह से एक टेम्पो बना और एक क्या कहें उसको, एक सब्स्टिट्यूट, एक बुरे से बुरे सब्स्टिट्यूट से थोड़ा सा अच्छा नजर आया वहां दिया। लेकिन आज अगर हम देखते हैं जी, जैसे अमित सर कह रहे हैं कि मास लीडर सीएम बनने के बाद बन जाते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स को, तो आज जो वोटर 2014 में जिसने वोट दिए थे उसने 10-10 सीट देके उस विश्वास को जो उस वक्त ये सोच के दिया था कि इनसे हो सकता है शायद बेटर हो, इनको जिता दो, बीजेपी को सरकार बनने दो स्टेट में क्योंकि सेंटर में है और ये ठीक है, उस वक्त 50-50, 60-40 के डाउट में उन्होंने दिया था कि उससे बेटर है। लेकिन आज जो 10 सीटें दी हैं लोकसभा की, ये इनका कन्फर्म विश्वास के ऊपर वोट दिए हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, अब ये तो एक अलग इश्यू है कि सरकार ने कितना किया, क्या किया, कैसे किया, कितना उसकी आलोचना भी हो सकती है, उसकी कुछ चीजों में अच्छा भी किया है। लेकिन ये जो रीजनल लीडर हैं, ये इन्होंने अपने अपने जो इलाका है, अपना अपना जो डिस्ट्रिक्ट है या जो क्षेत्र है, उनमें कुछ तो जो राष्ट्रीय जो योजनाएं थी उनको कार्यान्वित किया। फॉर एग्जाम्पल आप बादली का ले लीजिए जो दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता है, केएमपी आया, केएमपी के साथ बताया जा रहा है कि एक शहर बसाएंगे, उससे इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, उससे रोजगार बढ़ेगा। बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओपी धनखड़ साहब है वहां से मंत्री, उन्होंने एसडीएम कोर्ट बनवा दिया, अब एक नगर पालिका। तो ये जो पावर में पार्टी होती है वो थोड़ी सी ईमानदारी से पारदर्शी से काम करे तो वो आगे विश्वास जितने में जनता के काबिल होते। एक बात में थोड़ी सी जैसे अब कांडा साहब का खैर मुझे बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन है चलो अच्छी बात है, बट जो नेहरा साहब ने कहा तो मैं कह रहा हूँ 14 में और जो पीछे जैसे बताया 10 एमएलए के इलेक्शन निर्दलीय जीतते थे, एमपी थोड़े जीते थे, एमएलए बहुत जीते थे, तो ये वो टाइम निकल गया, वो टाइम में बदलाव आया। निकल तो नहीं गया, खैर बिल्कुल तो नहीं हो सकता, कह सकते खत्म होगा, बट वो बदलाव एक जनता में, पब्लिक में जो वोटर है उसमें एक बदलाव आया, वो विकास देखता है, ईमानदारी देखता है। छोटी छोटी बातें, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, सर्विस है, सर्विस में एक आम बच्चे को, गांव के किसी बच्चे को नौकरी मिली, पूरे 10 गांव में एक आवाज फैल गई भाई बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो सरकार करती है इनसे कामयाब होती है, तो बीजेपी का विश्वास इसी वजह से बैठा। दूसरा संगठन है इनका मजबूत, उनसे ये बात तो अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि ये दूसरे स्टेटों में तो था ही थे, अब यहाँ पे हरियाणा में ब्लॉक लेवल, पन्ना लेवल सब कुछ का। और ये सुभेंद्र जी, मैंने थोड़ा सा इनका देखा, चौरी बंसीलाल के साथ एक बार अलायंस था, हुआ था बीजेपी का, तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस में देखा था, उस वक्त ये इतने डिसिप्लिन्ड है कि बंसीलाल के जो वर्कर थे ना, जो मेन पार्टी थी, वो 10 बजे पहुंचती थी, 9:30 बजे का टाइम दिया, 9:25 पे मिलते थे। तो इनका एक काडर है, इनका एक अनुशासन है, इनकी एक संगठन है, और दूसरा मैंने बताया सरकार की छोटी छोटी चीजें काम करती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आगे एक बड़ा स्वरूप बनती हैं और यही जीत हार का अंतर बनाती हैं, तय भी करती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा ये भी समझेंगे कि बीजेपी के अंदर, क्योंकि विपक्ष में तो टूट है, लेकिन क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है, इस पर भी एक चर्चा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तीनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा जल्दी चलते हैं। अशोक जी के आप पास चलते हैं। जरा अशोक जी, एक चीज तो बताइए कि बीजेपी में, क्योंकि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि विपक्ष तो पूरी तरीके से टूटा हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, INLD अपने भीतर की जो लगातार नेता जो दूसरे दलों के अंदर जा रहे हैं उस चीज से भी परेशान है, नेता अब कौन हो ये भी बड़ा सवाल है,
जसपा और बसपा का गठबंधन हुआ, लेकिन नई पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन जिसका आधार कितना है हरियाणा के अंदर, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन अब बीजेपी के लिए क्या राह इतनी ज्यादा आसान है? क्योंकि जब लगातार नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या वो टिकट की दावेदारी नहीं करेंगे? क्या बीजेपी के लिए ये मुश्किल नहीं आएगी कि आखिर दावेदारों को, और जो लगातार अब जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है वहां पर जितने दावेदार खड़े हो रहे हैं, हर इलाके के अंदर 5 से 10 आप दावेदार बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं, वहां दिख सकते हैं अलग अलग होर्डिंग पोस्टर और प्रचार के माध्यम से दिख जाते हैं, तो क्या ये टिकट तक की जो सफर है, टिकट तक की जो यात्रा है बीजेपी के अंदर, क्या वो इतनी आसान है? देखिएगा, जन यात्रा आशीर्वाद यात्रा कुछ ही कह लीजिए कल चल रही है, 8 तारीख के अपना मोदी जी का जो अपना रैली है उसके बाद तक भी चलेगी, शायद 10 तक कह रहे हैं, वैसे तो 8 तक की थी। रही बात उसके कि इतनी आसान होगा जीतना करना, देखो बिखराव है विपक्ष में मानते हैं, पर लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे सदैव अलग अलग रहे हैं। विधानसभा के मुद्दे ज्यादातर लोकल मुद्दों से जो है ज्यादा जुड़े होते हैं, और विधान और लोकसभा के मुद्दे वो नेशनल के अंतर्राष्ट्रीय कैसे भी कीजिएगा वो उससे होते हैं, पर उसके बावजूद भी फिर इतना मतलब आसान तो नहीं है, ना ही समझना चाहिए कि भाई अपना जो सीट रखी है प्लेट में रखी तस्तरी में रखी उठा के ला के दे दो हो जाएगी। विपक्ष टूटा जरूर है, बिखरा जरूर है, पर कोशिश अपनी तरफ से हर कोई करता है, उसका बेनिफिट देखो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उठाएगी और उठाते भी हैं, और क्या नाम जो उनके पास पूरे संसाधन है सब कुछ है उसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा था, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी और आज है वो भी कर रही है। रहे बात ये कि जो बाहर से आ रहे हैं, अभी कांग्रेस को अभी झटका कल और लगा कि शारदा राठौर हैं अपना फरीदाबाद से, वो भी अपना जो भाजपा में शामिल हो गई। अब भाजपा में शामिल हो गई है कि बस टिकट मिल जाएगा। अब टिकट के जहाँ तक ख्याल है कि कोशिश तो ये रहती है कि जो उनके जिन्होंने उनको शामिल कराया है इस तरह के नेताओं को, इस तरह के विधायकों और समझे समथिंग को, तो वो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि भाई हम तुम्हें सीट देंगे नहीं देंगे, पर ये कि चलो तुम्हें पार्टी में मान सम्मान दे दिया जाएगा। अभी रिसेंटली क्या नाम गोपीचंद गहलोत भी हैं, इन्हें लोग अलविदा कह के भाजपा में शामिल हुए हैं, तो वो ये सोचने लगे कि भाई उनको टिकट मिलेगा, वो तो शायद मैं तो नहीं कहूंगा कि उनकी भूल भी होगी, और उधर भाजपा भी इतना बड़ा उनको आश्वासन नहीं देगी कि बात अपना कि वो उनको टिकट तक अपना हो जाए। रही बात उसके कि भाई अपना जैसे कि अपना यात्रा चली है, यात्रा अभी भी हो रही है, अभी 2 दिन पहले गुड़गांव में यात्रा आई थी। गुड़गांव की एक सीट है विधानसभा सीट, उस सीट पे ये देखने को है कि इतना एक तरह का कोल्ड वार क्या ये चल रहा, यानी कुछ कह ही नहीं सकते कि कम से कम 10 से लेकर 15 तक उसके कैंडिडेट हैं जो कि अपने जोर आजमाई करके जो है गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं, सीएम साहब के भी नजरों में चढ़ना चाहते हैं कि हमसे अच्छा कैंडिडेट कोई है ही नहीं है। पैसा भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं कि जिनका यही नहीं पता था कि कभी भाजपा में थे भी क्या, है ना? ठीक है। अभी इसके बाद में ये सोचते हैं कि इतनी जल्दी उनको टिकट मिल जाए, टिकट तो इस तरह से नहीं मिलता और नहीं पार्टियां देती हैं। और जो एक बात है अपना भाजपा में नेता थे पुराने वाले, अब उनको कितना उनको प्रतिनिधित्व दिया गया आप भी जानते हैं, दूसरी पार्टियों से लोग जो टूट के आए हैं उनको एमपी भी बनाया गया, उनको भी एमएलए बनाया गया, वो तो भाजपा के जो पुराने नेता हैं उनके अंदर भी कशिश है, उनके अंदर भी एक शिशक है कि हमसे जो जूनियर है उसको तो उठाए के एमपी एमएलए का टिकट दे दिया जाता बिल्कुल है। यही, हमने पूरी यही जिंदगी अपना जो है पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमने कार्य किया, हमारी पूछ ही नहीं। बिल्कुल अमित जी यही सवाल है कि मन में टीस तो रहेगी, जो लगातार समर्पित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, जो लगातार ग्राउंड पर दरी बिछाता है, दूसरे काम करता है, जितने कार्यक्रम होते हैं उनको सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि दूसरे दल से कोई पैराशूट कैंडिडेट आ जाता है और इस दावे के साथ कि उसको टिकट मिलेगी क्योंकि मौजूदा वो विधायक भी है, तो ऐसे में कितने चांसेस होते हैं और क्या बगावत की संभावनाएं बढ़ नहीं जाती उस वक्त? देखिए सुमेंदु, राजनीति शातिरों का खेल है,
जो जितना शातिर होगा उतना अपना स्टेक लेगा, अपना केक उतना उसका मिलेगा उसको ज्यादा। अब देखिए, जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं और वहां पे वो कद्दावर नेता थे, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगी एक मिनट के लिए तो जाएंगे कहां वो, ठीक है ना? उनकी उनको वहां बने रहना मजबूरी है। देखिए, सिर्फ एमएलए ही बहुत बड़ी चीज नहीं होती, सरकार में बोर्ड कॉरपोरेशंस में बहुत पोस्ट होती हैं, चेयरमैनशिप होती है, मेंबरशिप होती हैं, जहां पे इनको एडजस्ट किया जाता है, तो उस आस में भी ये बने रहेंगे, ये जाएंगे कहां भी, अब तो बताओ ना। नहीं, लेकिन मौजूदा विधायक यदि उसको कह दीजिए कि आप, आपकी तो टिकट अब कट जाएगी और आपको हम एडजस्ट करेंगे, तो एक तो चलिए छोड़ दीजिए, एक तो चलो मान लो कि स्वीकार कर ले इस बात को, लेकिन इतने सारी जो लंबी लिस्ट है, जो इतने सारे विधायक आए हैं टूट टूट कर, जो इतने बड़े बड़े नेता दूसरे दलों से आए हैं, क्या वो ये सभी नेता क्या ये स्वीकार कर सकते हैं? और क्या वहां पर जो उस इलाके की कैडर है, जो वहां पर लगातार जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मेहनत करता रहा है, क्या वो ये स्वीकार कर लेगा कि कोई पैराशूट कैंडिडेट आकर उनकी विधानसभा से उनकी दावेदारी को वहां पर चकनाचूर कर दे, उनके सपनों को तोड़ दे? देखिए शुभेंदु, मैंने स्टार्ट ही यहां से किया था कि ये शातिरों का खेल है। अगर देखिए कोई आलाकमान से प्रेशर डलवा देगा पुराना कार्यकर्ता कि टिकट इन्हीं को मिलनी चाहिए, तो नीचे वालों की मजाल है कि उनकी टिकट कट जाए? तो ये देखना पड़ेगा कौन कितना प्रेशर मेंटेन कर सकता है, ठीक है ना? तो देखिए, जो आए हैं उनको भी समझाया जा सकता है, और जिसकी टिकट कट गई, जो पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको भी कहा जा सकता है यार आपको एडजस्ट कर लेंगे, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, बड़ा मुद्दा जब होता जब विपक्ष बराबर में खड़ा होता, आमने सामने की टक्कर होती, ये होता कि बराबर बराबर का होता है, बटा हुआ है। आज के दिन ये है कि विपक्ष बिल्कुल कमजोर है। लेकिन अमित जी, हम बार बार इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है, क्यों है इतना कमजोर? हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग गुट बने, तो ऐसा तो नहीं कि नए गुट बने हैं, ये जो चेहरे हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से थे। तो ये गुटबाजी और जो ये इतना विरोध होने लगा है आज के समय में, क्या हम इसको ये समय समझे कि कांग्रेस आज अपने बुरे वक्त पर है, तो इसलिए अब कहते हैं कि जब दुख की घड़ी में ज्यादा बर्तन जो है खड़खड़ाने लगते हैं और उस समय परेशानियां ज्यादा नजर आने लगती हैं, तो क्या वही दौर है कांग्रेस के लिए? देखिए शुभेंदु, अभी सोमवीर जी ने एक बात कही कि कांग्रेस में कई गुट हैं, वो एक टाइम पे थे, अब क्या है कि वो धीरे धीरे वो दो गुटों में आमने सामने आ गए हैं। पहले देखिए अपना कैप्टन अजय सिंह यादव का गुट बताया इन्होंने, अजय सिंह यादव के साथ हैं कितने विधायक, पूर्व विधायक, आज कोई नहीं है। रणदीप सुरजेवाला मुखर गुट था, लेकिन रणदीप सुरजेवाला बिल्कुल चुप हैं, वो देख रहे हैं मौके की ताड़ में हैं, उनका गुट नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन वो प्रेशर ग्रुप जरूर है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे। किरण सीधे सीधे अशोक तंवर के साथ खड़ी है आज के दिन, अपना वो नहीं कर रही है, वो दोनों मिलकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हुड्डा, उनका एक अलग गुट है, तो दो गुटों में खड़ी है। अभी एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए कितना ही मजबूत ये लग रहा हो, फिर भी 40 से लेके 45% तक अगर किसी पार्टी को वोट आ जाती है तो उसकी भयंकर तरीके से एब्सोल्यूट मेजोरिटी आती है। इसका दूसरा पहलू देखिए, सामने 60% वाले भी हैं विपक्ष, अगर वो एका कर लें तो उनको अल्पमत में भी लाया जा सकता है ना। नहीं तो कैसे होगा, लेकिन होगा होगा कैसे? उसके लिए INLD जजपा के साथ जाएगी नहीं, कांग्रेस के साथ जजपा नहीं जा सकती है, ऐसा है, अपनी अपनी विचारधारा भी है। अब बिहार में एक कहावत लालू प्रसाद यादव ने कही थी जब उनका गठबंधन उससे हुआ था, आपने नीतीश कुमार से, दोनों धुर विरोधी थे, जब पूछा तो बोले आपने गठबंधन क्यों किया, तो उन्होंने एक जवाब दिया था, जब बाढ़ आती है जंगल में तो एक ही पेड़ पे शेर वगैरह हिरण तोते सब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को कुछ नहीं कहते वो। इसका मतलब ये है कि मजबूरी में आना पड़ता है और मजबूरी में आएंगे। अब देखिए, अगर सिरसा की बात लें, हलोपा अगर HLP JJP से गठबंधन कर ले और अपने जो BSP से कर ले LSP से कर ले, तो
इनको एक इजी हो सकता है। तो देखिए लोकल स्तर पे ये बनेंगे, ये गठबंधन धीरे धीरे आपको दिखाई देंगे। और देखिए राजनीति में क्या होता है कि कई बार तो समझौते सार्वजनिक होते हैं, लेकिन जितने सार्वजनिक समझौते होते हैं उससे कई गुना अंदर खाने समझौते होते हैं। ये आप लिख लो, आप दर्शकों को बताओ, और समझौतों पे भी समझौते हो जाते हैं। एक बात और बताऊं कि मेरा और आपका समझौता है तो आप किसी और से भी कर सकते हो अंदर खाने। तो वो चीजें जो जब चलती हैं तो समीकरण गड़बड़ाते हैं। तो आज ये लग रहा है ना कि निर्दलीय ज्यादा नहीं जीतेंगे या छोटी पार्टियों के नेता ज्यादा नहीं जीतेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि स्थिति इतनी बुरी है। देखिए अपना एक वोट बैंक होता है, 20-25 हजार लगभग हर जो कद्दावर नेता होते हैं उनके वोटर होते हैं, और वो अपना कमाल दिखाएंगे। सुमेंदु ठीक है, लेकिन इसमें सोमवीर जी, क्योंकि वापस जरा उस पर आते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास है? क्या विपक्ष अभी तक किसी मुद्दे के साथ मुखर रूप से सामने आया? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मुद्दे कई बार सरकार के ऊपर या फिर सरकार के मुद्दे विपक्ष पर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा राष्ट्रीय सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि सभी चीजें सारी पीछे रह गई, देश का विकास, आर्थिकी, सभी चीजें पीछे रह गई, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा सर्वोपरि हो गया। तो क्या मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी और मनोहर सरकार के पास क्या कोई ऐसा इतना बड़ा कोई मुद्दा है जिसके दम पर वो जनता से जाकर कहें कि हमें आप दोबारा चुनिए, या फिर विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा है कि वो कहे कि नहीं जी आप सरकार को यदि आप चुनते हैं तो ये हो जाएगा गलत? देखिए सुभेंद्र जी, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आई टिकट की बात, बाहर से आए उनको देंगे, अपने को देंगे, जो है उनको देंगे। इनका जहां तक मेरे को नॉलेज है ये अपने हिसाब से खुफिया तंत्र से जिताऊ कैंडिडेट का पता करवाते हैं, चाहे वो बाहर से आएगा तो उसको जीतेगा उसको टिकट दे देंगे, तो चाहे इंटरनल सर्वे भी होते हैं। दूसरी बात अब आप कहते हो कि कांग्रेस का आप ये वो सिर्फ गुटबाजी से ही नुकसान हुआ है, गुटबाजी से भी शासी बन गई है, गुटबाजी से ही इनके 20 से नीचे तक नीचे वोट आ गए, आप ये नहीं कह सकते। उनकी पॉलिसी देखिए आप, ठीक है ना, उनकी आप पॉलिसी देखिए जो नेशनल लेवल पर। अब फॉर एग्जाम्पल 370 का वो है, हरियाणा की जनता को ये समझाया गया है और ये समझाने में माहिर हैं, और वो बात किसी हद तक ठीक है कि वहां पे कैजुअल्टी बहुत हो रही थी, सैनिक बहुत मर रहे थे, वो ज्यादातर हरियाणा से। तो आप ये बताओ ये मुद्दा है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक हरियाणा की जनता के, कम से कम हमारी कल लाशें नहीं आएंगे, हमारे नौजवान शहीद नहीं होंगे। लेकिन लेकिन प्रदेश प्रदेश में जब इलेक्शन है विधानसभा के, ये काम करेगा बिल्कुल। ये चीजें, ये जो नेशनल लेवल की चीजें हैं ये काम करती है। दूसरा सिर्फ आप ये कहो कि इनमें वो नहीं, गुटबाजी से इनका नुकसान हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी पॉलिसी अब इस पे जो है ना स्टिंग ऑपरेशन पे वो क्या हो किया था उसमें वहां बालाकोट में जाके मारा था, वो जितनी भी ये जो अच्छी अच्छी जिनकी प्रोजेक्ट्स थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा थी उसमें सवाल उठाते हैं। ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया या जो भी ये किया इसमें ये लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं, उस पर डाउट करते हैं। फौज के लोगों को, फौज के इनका कोई एक एक्सएमपी फौज को सड़क का गुंडा कहता है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इनकी पिछले सालों से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये कितने बड़े घोटाले, तो ये चीजें सारी चीजें काम करती है। जनता वो बात नहीं रहेगी कि पहले गोतवाद जातवाद ये है वे तो देवलाल का पोता इसको वोट दे दो, ये बंसीलाल का रिश्तेदार, इस चीज से इस खत्म हो चुकी है अब। हाँ, बहुत खत्म तो नहीं हुई है, बट मेरा मतलब कहने का ये है कि उन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं देख सकते आपके। अब जैसे कांडा साहब का आप ले लीजिए, पिछली बार सेकंड दूसरी दोनों पर अच्छी जीत थी। अब एक वोट के लिए सबसे बड़ी चीज एक विश्वास होता है। अब आप जैसे नेहरा साहब ने कहा, मैं इनके बात को अपोज नहीं करता, बहुत सीनियर पत्रकार है ये, इन्होंने कहा आज विश्वास नहीं है, ये सारी पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा कर ले, इसके बावजूद भी एक पर्टिकुलर जो आदमी थोड़ा सा प्रगतिशील है, जो थोड़ा सोचता है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, या गांव में भी हर आदमी ये सोचता है कि पे विश्वास नहीं है कि ये इकट्ठे हो गए, ये क्या करेंगे, क्या क्या इनकी प्रोजेक्ट होगी, क्या इनका काम करने स्टाइल होगी, क्या प्रगति करेंगे, क्या विकास करेंगे, विश्वास खत्म हो चुका है इनका। आप गुटबाजी की तो है ही है, गुटबाजी तो है ही है, अब विश्वास की बात है। सॉरी देवीलाल ने कह रहे थे, सॉरी देवीलाल ने एक नारा दिया था, हम छोटे छोटे थे तब, था भ्रष्टाचार बंद पानी का प्रबंध, ठीक है वो किया है इन्होंने, चल रहे चौरी देवलाल की नीतियों पर। जेजेपी कहते मैं चलता हूँ, इन लोग कहता मैं चलता हूँ, कोई सा चलता हो तो बता दो। एक था
लोकतंत्र लोक लाज से चलता, लोक लाज कहां रह गई, भतीजा चाचे का गला पकड़ रहा है, भतीजा उसका पकड़ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा कि इन लोगों ने जो पुराने जो पार्टी के इनके जो सिद्धांत थे, जो इनकी देशभक्ति थी, जो इनका काम करने का तरीका था, वो सारा इन लोगों ने छोड़ दिया। इनको दोबारा से ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और ये फिर मैं दोहराता हूं कि इनसे विश्वास खत्म हो गया। जितने मर्जी आए सारे एक कर लो, आज के दिन इनका विश्वास नहीं है इन पे, क्योंकि आज एक कैंडिडेट पर विश्वास होगा, बट ये नहीं है कल ये आदमी कहां रहेगा, ठीक है, किसके साथ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा बहुत बड़ी दुविधा में है, और दुविधा को खत्म करता है बीजेपी का जो वर्किंग स्टाइल है, जो पिछला इनका काम का इतिहास है 5 साल का, और जो नेशनल मुद्दे हैं। ठीक है, ठीक है। जरा मैं अशोक जी, जरा बहुत कम समय रह गया जरा, लेकिन एक सवाल ये कि क्या अब इस विषय को हम देखें कि एक तो पहली चीज जो सोमवीर जी ने बताई कि पहले जिस नाम और जिस चेहरे के आधार पर ही अब परिवारवाद के नाम पर जिस तरीके से वोट की जाती थी, वोटिंग होती थी, क्या उस ट्रेंड से हम आगे निकल चुके हैं, या अभी भी कुछ हिस्सा हमारा अभी भी ध्यान वहां पर फंसा रहता है कि भाई नहीं, उस परिवार से है या उस पार्टी से है तो सिर्फ वोट वहीं पर, विकास आज भी है बड़ा मुद्दा या अभी तक वहीं पर हम फंसे हुए हैं? देखिए, विकास का मुद्दा तो सदैव से रहा है और आज भी है और रहेगा। रहा यह है कि अपना चेहरा देवीलाल जी के टाइम में और उसके बाद में चौधरी भजनलाल और बंशीलाल जी के टाइम में भी अपना था, सभी के टाइम में रहा है कि भाई ये उसका है, उसका छोरा से, उसका पोता से, ये इस तरह का ये चलते रहे, मानते हैं। देखो, क्षेत्रवाद और जातिवाद उससे अलग हटकर कभी ना इलेक्शन हुआ और न कभी होगा। अभी भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जातिवाद के ये एरिया या ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किस जाति क्या अपना यहाँ पे अपना क्वांटिटी किसके ज्यादा है, तो वो देख के ध्यान किया जाता है। हाँ, भाजपा ने थोड़ा कोशिश जरूर करी है कि भाई परिवारवाद से थोड़ा ऊपर उठ के अपना जो टिकट दिया जाए, अपना जो कैंडिडेट की योग्यता और उसको जो ध्यान कर कर किया, पर क्षेत्रवाद और जातिवाद से हम कह दें कि भाजपा भी पूर्णतः मुक्त हो गई है, ऐसा नहीं है। वो ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान दिया जाएगा। आपको ध्यान है लोकसभा का इलेक्शन, अब आप बताइएगा पीएम कौन बनाता है, एमपी है ना, पर इस बार पीएम ने ही एमपी बनाए हैं, यह आपके सामने है, कोई दूर नहीं है। हाँ। और यही गुड़गांव, यही क्या नाम हरियाणा में होगा, सीएम एमएलए सीएम नहीं बनाएंगे, सीएम एमएलए बनाएंगे। लेकिन ये व्यक्तित्व हो चुका है, यही होगा, यही हो चुका है क्या, ऐसा ही विश्वास जैसा है। तो इसको जरा फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं अमित जी। अब ये हो चुका है कि मुख्यमंत्री अब अपने विधायकों को चुनेंगे, मतलब अब मनोहर लाल की वो छवि हो चुकी है कि वो विधायकों को वहां पर इलेक्ट करवाएंगे, वहां जनता से जिताने की वो आ गई है पावर या क्षमता आ गई है वो? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो एमएलए को जितवाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी के जलवे के कारण बने हैं, ठीक है ना। जो सही है वो सेंटर के कारण हरियाणा फल फूल रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कहीं भी ये नहीं है कि मनोहर लाल की नीतियां, और वो जो मनोहर लाल को केंद्र बिंदु में नहीं रखा गया है प्रचार में, केंद्र की नीतियों को अपने मेन केंद्र में रखा गया है। अभी देखिए, सोमवीर जी ने एक बात कही, 370 का मुद्दा है, 35A का मुद्दा है, तो ये इसमें मनोहर लाल जी कहाँ है बताओ, ठीक है ना। तो देखिए, जो ऊपर का मामला है, सेंटर मजबूत है तो उसका फायदा नीचे है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है चुनाव, ठीक है ना। इसमें जो जितना मानसिक रूप से मजबूत होगा वो ले रहेगा कुछ। विपक्ष इस मामले में कमजोर है, वो घेर नहीं पा रहा है। अब छोटी छोटी बातों पे अगर घेरना शुरू कर दे, मुद्दा नहीं ये बड़ा, नहीं नहीं मुद्दे हैं, मुद्दे हैं, लेकिन घेरना, देखिए घेर नहीं पा रहे। मैं आपको अभी जो हुए हैं लोकसभा चुनाव, ठीक है, बहुत बहुत जल्दी, सबसे बड़ा मुद्दा था पुलवामा। अगर सही मायने में देखा जाए तो सीमा पार से जो आक्रमण हो रहे हैं उसे दो स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, पंजाब और जम्मू कश्मीर,
वहां नागरिकों की मौत होती है लगातार ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बहुत कम समय, हाँ, बहुत कम समय सर, बहुत शुक्रिया, पता है बहुत, माफी के साथ रुकना चाहूंगा हमें जी, माफी के साथ रुकना चाहूंगा आपका, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, लेकिन समय की कमी है इसलिए वजह से रुकना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ बेहद बड़ा विषय है और इस विषय को समझना होगा नेताओं को भी और राजनीतिक दलों को भी कि आखिर कैसे अपनी जब पैठ मजबूत करनी है जनता के बीच में, चाहे आप जन आशीर्वाद यात्रा करें चाहे आप शंखनाद रैली करें, तो कोशिश यही है कि जनता का जुड़ाव कहीं ना कहीं नेताओं के साथ होना चाहिए, तभी आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव हैं तो उसमें कुछ रंग नजर आएगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।